ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਆਇਓ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਧਰਨਾ ਦਾ ਹੈਰੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਸ ਲਾ ਦੇਣਾ हेलो भाई देख दिया हूँ आप यार जट कनी भी कर दो माड़ा कैमरा उधर चलने दे हूँ बनोगी बना बना भाई बोलो बन रहा बाबे यार हैरी उत्ते चक्कम हैरी कितने है हैरी उधर जो घर मुक्त है उत्ते चढ़ दा सारे देख अपने कने देख रहे ने खड़ जा नारे नाल लग रहे उरे तू आ देखिए कि मैं खड़ी है ले बिल्ली यार एक्टर बन रहे ने कौन आ देख ले खड़ी है ये तो बंदे बंदे फेर ब्रेडर बंदे अरे सही गल है उत्ते चढ़ते उत्ते उत्ते ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰੜਵਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆ
चाहे कोई प्राइवेट बस आ चाहे बड़ी बस आ चाहे मिनी बस आ ओदे विच पास चलना हुंदा सीगा होर जी जदों 1984 दा दौर सीगा मोर्चे बना ले सीगे कई कालजां दे विच भी बना ले सीगे ते विद्यार्थियों ने लड़के उन्हां नूं बाहरे कढ़ाया गा भी इत्थे इक पढ़न दा माहौल बनाया जावे अज की हैगा अज दौर मीडिया दा गा अज ओह कम करन दी लोड़ नहीं हैगी क्योंकि आपां नूं जिथे आपां कहने आ गए विद्यार्थियों च आके भी जिहड़ा लुटेरा प्रबंध हैगा वह विद्यार्थियों की साडे नौजवानों की लुट करता उन्हां नूं गलत पासे लाया जा रहा है हुण बहुत तेज़ हो गया जिवें आपां नौजवानों च जोर ला रहे हैं भी भगत सिंह की विचारधारा दे नाल साडे नौजवान जुड़न उस तरह जिहड़ा इह लुटेरा ढांचा है वह भी जोर ला रहा है अज की किया जा रहा अज साडे नौजवान कल्ला कल्ला नौजवान इत्थे रीलां बनाउण लग्या पिया हुंदा हालांकि कोई नसैसरी चीज़ तो है नहीं भी साडी जान निकलदी रील बनाए बिना सर सकदा गा पर जिहड़े साडे मसले आ उहनां दे उपर ही चर्चा करदे हां उहदा कारण इह आ कि जिहड़ा इत्थे माहौल बनाया गया वो सानू डिपेंड करता सिर्फ फोन ते ही पती है भी की देख रहे हैं रील ही देखी जाने स्क्रॉल कर करके ते साडे जिहड़े मसले उहनां ते ही डिस्कस नहीं करते अपने कॉलेज इत्थे जो मसले हैगे आ क्योंकि विद्यार्थियों की एक होर दिख बना के पेश करते हैं भी जिहड़ा इत्थे केड़ी शेड़ी वो हैगी भी इत्थे बिल्डिंग की वड्डी घाट आ ठीक है ना क्योंकि साडे की हैगा भी विद्यार्थी खड़े हुंदे आ तां प्रोफेसर ये कहिंदे भी उरे नहीं खड़ना भी उत्थे नहीं बैठना हैगा ज़्यादातर साडे विद्यार्थी आ बिल्डिंग दे परली साइड चले जाते हैं तो इशू यह बना लिया जाता गा भी मुंडे उधर ले जाते कुड़िया भी पता नहीं कोई गलत हरकत नहीं करते हो पर वड्डा कारण यह है भी ये बिल्डिंग के परले पासे छां पैंदी आ ते उत्थे थोड़ा मोटा बैठन खड़न का माहौल है जे तो शैड बनया होगा आह घा के उपर तो विद्यार्थी इतने भी बह जाएंगे जे कुड़ियों का कॉमन रूम बनया होगा तो विद्यार्थी जिहड़ियां कुड़ियां ने वो साडियां कॉमन रूम च बैठ सकदियां ने मुंडिया वास्ते भी जो कोई सैपरेट थान होगी भी फ्री टाइम इतने बैठ सकते हैं तो वह भी उत्थे बैठने साढ़े इतने बिल्डिंग के सैमीनार हाल आ जिदे लाइब्रेरी स्थापित की गई आ मतलब जे कॉलेज कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना तियां सैलीब्रेट करना गा कोई फेयरवेल पार्टी करनी आ कोई डिस्कशन रखनी है कॉलेज वालों तो विद्यार्थियों उत्थे इकट्ठे किया जाता गा सैमीनार हाल के उपरों ये है बई जिहड़ा हैगा उत्थे हुण तक यह रहा भी फीसां भरन दे लई उत्थे जिहड़े साडा स्टाफ बैठदा सीगा इस करके उत्थे पढ़ाई का माहौल नहीं रहा अज दी नहीं पैन है ठीक है इहनूं बैन होए नूं घट्टो घट्ट 30 साल जिहड़ी गल तुसीं इत्थे बच्चिआं दे विच रख रहे हो कि तुहाडा हक है इह हक जाके कोर्ट तों लओ साडे कोलों नहीं हुंदी सरकार वालों बैन होया हो असी नहीं बैन किया हो अपने लिए माण वाली गल है तो हुण भी आपां इह कहने आ भी जिथे कहा जाता गा भी मुख्यमंत्री का शहर आ ये आ वो हैगा आप तो इन्होंने कहा भी असं लंबे टाइम तो एफर्ट कर रहे हैं भी फिर क्यों नहीं बनी भी लाइब्रेरी जो तुम एफर्ट कर रहे हो सानू भी कर लेन दो जे असी इकट्ठे होके यूनिवर्सिटी की ग्रांट जारी करा सकते हैं पूरे पंजाब का मसला गा वो सही गल आपदे बारे टीचर बैग बुग चको तेन कद रोकया दस रुके ਕਰਕੇ
ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੋ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤ जे ते तो बिना पूछे फिरी जान फिर तेरी कोई रहूगी ऐंदा सिज्ज तो मैं इनां नु ए नहीं ओ कहूंगा जी ए यार के मैं नहीं कहूंगा मुंह जबानी गल्लां दा कुछ नहीं उनां दा जेड़ी गल जायज आ पुत्तो मननी पड़ी तू एक बारी जा एक मिनट का फिर भी बनी जो माहौल है चलो कोई ना लिख लो रात आदि जवाक यार देखी जमा